ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के बेजा इस्तेमाल को लेकर मोदी सरकार अब लगातार घिरती जा रही है। सवाल किए जा रहे हैं कि क्या विपक्ष पर काबू पाने के लिए सिर्फ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का सहारा लिया जाएगा। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ आपके स्क्रीन पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी। दोस्तों, एक एक करके तस्वीरें देखिए। आज उनकी हाजिरी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने है। ये वीडियो देखिए जो इस वक्त आपके पूरे स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं सड़क के आसपास श्रृंखला बनाकर पुलिस कर्मी खड़े हुए हैं और फिर अचानक सड़क के बीच में से उनकी गाड़ी आती है जिसमें उन्हें पूरी एसपीजी जो है सुरक्षा दे रही है। और आज जब वो ईडी के सामने हाजिर हुई तो उनके बच्चे भी उनके साथ गए थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज पूछताछ में उनके सामने ईडी के 5 अधिकारी जो हैं बैठे हुए थे। और यही नहीं, ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि अगर सोनिया गांधी जो है, चूंकि वो पहले से ही बीमार है, अगर वो थका हुआ महसूस करती हैं तो उन्हें ब्रेक भी जरूर दिया जाएगा। मगर आज कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर खासी उग्र दिखी। आज कांग्रेस ने अपने दफ्तर के सामने यह प्रदर्शन किया जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे तो लगाए ही जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है उसको लेकर भी कांग्रेस उग्र है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों ने एक बैठक की और इस बैठक के अंदर मोदी सरकार जिस तरह से जांच एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल कर रही है उसे पूरे दमखम के साथ उठाया गया। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बात पर अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा जिस तरह से कांग्रेसी आज सोनिया गांधी के पक्ष में मैदान में उतरे, इसके क्या मायने हैं थोड़ी देर बाद। मगर सबसे पहले सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा क्या कह रहे हैं। पवन खेरा का कहना है कि चूंकि कांग्रेस सवाल उठाती है, इन सवालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री को 18-18 घंटे जो है नींद नहीं आती। क्या कहा पवन खेरा ने, आप सुनिए। षड्यंत्र है हमें रोकने का और नियत है विपक्ष मुक्त भारत, यह हम सबको स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए। देश का यह अधिकार है यह जानने कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती। फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। इसी वजह से एजेंसीज को सुबह से शाम तक व्यस्त रखा जाता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन मालूम है क्यों चाहते हैं? ताकि एक ही बार एहसान ले लें सारी एजेंसीज का, नहीं तो बार में सबको रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट कराना पड़ता है। बड़े परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती 18-18 घंटे। ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री। उधर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये सत्याग्रह नहीं है, उल्टा ये दुराग्रह है हमारी एजेंसीज के खिलाफ। क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, आप कुछ सुनिए। ये सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम ये बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। एक बात तय है दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी 50 घंटे तक, दोस्तों आपको याद होगा, उनसे पूछताछ की गई थी लगातार 4 दिन। उसका क्या हुआ कोई नहीं जानते, मगर उस दौरान इनकी पालतू मीडिया में खबरें लीक की जा रही थीं कि राहुल गांधी को अभी गिरफ्तार किया कि तभी गिरफ्तार किया। अब एक बात जो हुई है दोस्तों
कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस खासी उग्र दिखाई दे रही है, जब से राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ हुई है। आपको याद होगा, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आजकल सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। वो लोगों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इस देश का जो दुर्भाग्य है वो ये है दोस्तों कि हमारा विपक्ष इतना सुस्त हो जाता है कि जनता अक्सर विपक्ष की तलाश कर रही होती है मगर वो विपक्ष नहीं मिलता। उल्टा कल राज्यसभा ने एक बहुत ही नायाब तरीका इन्होंने निकाला महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने जीएसटी की मार लगाई है आम इंसान पर, दूध, छाछ, पनीर सब महंगा हो गया है। इन तस्वीरों में देखिए कांग्रेस के जो सांसद हैं वो छाछ हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी आगे चर्चा करूंगा। तो सोनिया और राहुल दोनों पर ईडी का शिकंजा लगने से इसका फायदा हो रहा है लोकतंत्र के लिहाज से, ये कि कम से कम अब कांग्रेसी सड़क पर मौजूद हैं, वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही कि आज जब पार्टी प्रदर्शन कर रही थी तो पुलिस मीडिया को रोक रही थी उसे कवर करने के लिए। अगर कांग्रेस का ये आरोप सही है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि मीडिया का काम है जब विपक्ष प्रदर्शन करता है तो उन तस्वीरों को देश की जनता के सामने पेश करें। अगर इस तरह से रोका जा रहा है तो यह लोकतंत्र किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। मैं आपको बतलाना चाहूंगा पार्टी के नेता जयराम रमेश ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। मीडिया को कांग्रेस कार्यालय में आने से रोका जा रहा है, किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गांधीवादी सत्याग्रह हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में मोदी सरकार ये हक भी हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। यह कांग्रेस पर नहीं, भारत के महान लोकतंत्र पर हमला है। हम समझते हैं कि सरकार कांग्रेस को महंगाई, बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों पर जनता की आवाज उठाने से रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, पर हम बिना डरे और झुके देश की जनता द्वारा सरकार के कड़े सवाल पूछने के कर्तव्य को निभाते रहेंगे। और मैं स्वागत करना चाहता हूं जयराम रमेश के इस बयान को लेकर। और दोस्तों, मैं एक बार फिर इन तस्वीरों को आपके सामने दिखलाना चाहूंगा कि विपक्ष किस तरह से एक साथ जो है बैठकें कर रहा है, ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ। और मैं आपको बता दूं इन तस्वीरों में किन किन पार्टियों के नेता हैं, एक एक करके इन तस्वीरों को आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस, डीएमके, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीआरएस, एमडीएमके, एनसीपी, वीसीके, शिवसेना और आरजेडी। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, ईडी का इस्तेमाल करके ही एकनाथ शिंदे के 7, शिवसेना के 40 विधायक ईडी के डर से कहीं ना कहीं उनके साथ आ गए थे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस वक्त एकनाथ शिंदे का जो पूरा कुनबा है उसमें कम से कम आधा दर्जन ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ ईडी में केसेस हैं। और कई लोगों ने निजी तौर पर एक बात बताई कि अब जबकि हम शिंदे साहब के साथ हो गए हैं, इसका फायदा यह है कि अब हम चैन की नींद सो सकते हैं क्योंकि अब हमें ईडी परेशान नहीं करेगी। आज जो विपक्ष यहां बैठा हुआ है ईडी की परेशानी को लेकर, इनमें से ये ना भूलें आम आदमी पार्टी के ये नेता सत्येंद्र जैन जेल में है, एनसीपी के दोनों नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक दोनों जेल में हैं। ये ना भूलें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। ये ना भूलें किस तरह से ममता बैनर्जी पर लगातार निशाना साधा गया है जांच एजेंसीज के जरिए। उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान अखिलेश यादव और उनसे जुड़े बिजनेसमैन पर लगातार निशाना साधा जा रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक अंदाजे बयां है इस पॉलिटिकल पार्टी का कि वो जो है विपक्ष पर निशाना साधे। जैसे ही चुनाव आते हैं दोस्तों, तभी विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर अब लोकसभा
और राज्यसभा दोनों जगह स्थगन प्रस्ताव लाया जा रहा है और विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है। आपके स्क्रीन पर कांग्रेस के लोकसभा के एमपी मणिकम टैगोर की ये चिट्ठी, और वो लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस चाहते हैं कि किस तरह से जांच एजेंसीज का भेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। उसी तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आपके स्क्रीन पर, संजय सिंह यही चर्चा राज्यसभा के अंदर चाहते हैं। मैं आपको एक बयान जो है वो दिखाना चाहूंगा दोस्तों। बयान है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब का। उन्होंने क्या कहा है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। Not for the first time, the Chief Justice of India, N.V. Ramanna, reportedly drew attention to the problems in India's justice system, from indiscriminate arrests and the paucity of bail to the prolonged incarceration of people without bail or trial. क्या कह रहे हैं यहां पर ये? ये यही कह रहे हैं कि कई बार बगैर किसी कारण के लोग जेल में बंद होते हैं और ये प्रक्रिया लगातार चली जाती है। कई बार प्रक्रिया ही सजा हो जाती है। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कि आप खामोश क्यों हैं? क्या आप ये नहीं देख रहे कि जांच एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नहीं, ये इस्तेमाल हो रहा है पत्रकारों के खिलाफ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ। कौन भूल सकता है न्यूज क्लिक पर 114 घंटे की ईडी की रेड, और कुछ दिनों बाद इनकम टैक्स ने हमें सम्मानित किया। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उसके बाद जो प्रचार चलता है, जिस तरह से आप पर निशाना साधा जाता है, जीत तो कई सालों बाद मिलती है, मगर जो प्रचार चलता है और उस दुष्प्रचार के चलते आपके चरित्र पर जिस तरह से निशाना साधा है, वो शर्मनाक है। HW न्यूज पर इनकम टैक्स की रेड, क्विंट पर इनकम टैक्स की रेड, NDTV पर इनकम टैक्स की रेड, और जब ये रेड मारी जाती हैं, तब इनका जो बदनाम प्रचार तंत्र है वो फिर आप पर और भी पुरजोर तरीके से हमला करता है। तो मेरा सीधा सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जब आप खुद मान रहे हैं कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, तो अदालतें खामोश क्यों हैं, मुद्दे क्यों नहीं उठाती? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं सोनिया गांधी के मामले में भी। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से गड़बड़ हुई है तो सजा मिलनी चाहिए, और सजा किस बात की मिल रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर हम ये ना भूलें कि स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था इस मामले में कुछ नहीं है। उस वक्त 2015 में, याद कीजिए उस तारीख को, उस वक्त के जो ईडी के निदेशक थे उन्होंने केस को बंद भी कर दिया था। बाद में पुरजोर तरीके से उसे फिर से खोला जाता है और कार्रवाई की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, जब कांग्रेस सत्ता में थी ना, तब उसने इन तमाम जो कानून है, पोटा, मकोका, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो तमाम धाराएं हैं, इसका इस्तेमाल किया, और कई बार उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जिन्हें ये पसंद नहीं करते थे। आज उन्हीं मामलों में कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा जा रहा है। मगर एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, कांग्रेस अपने विरोधियों पर निशाना तो साधती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे वेपनाइज कर लिया है, एक हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, चुनाव जीतने के लिए, सरकारें पलटने के लिए, और इसकी हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। जी हां, जहां पर इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया, ईडी का इस्तेमाल किया है, CBI का इस्तेमाल किया, पश्चिम बंगाल में पुरजोर कोशिश की, सफलता नहीं मिली, उत्तर प्रदेश में लगातार आपने देखा होगा किस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था, महाराष्ट्र के अंदर क्या खेला हो गया सब आप जानते हैं, ईडी के डर से किस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए, ये किसी से भी छुपी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कांग्रेस के मुकाबले, उन्होंने इन तमाम एजेंसीज को वेपनाइज कर लिया है और वो एक कदम आगे ले गए। अब इसके जरिए वो लोग पत्रकारों पर भी निशाना साधते हैं जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इनके मन में विचारों की अभिव्यक्ति, पत्रकारिता, सार्थक पत्रकारिता के कोई मायने नहीं रह गए हैं, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत है। आज आप विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं,
बेकसूर लोगों को पर निशाना साध रहे हैं, पत्रकारों पर निशाना साध रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर निशाना साध रहे हैं। दो दो तीन तीन साल से वो जेल में बंद हैं। कहीं ना कहीं इसका सिला और इसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, इसी दौर में भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।